सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भाव सर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसके लिए आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखनी पड़ेगी, एक दो मिनट की। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या किया है मेरे घर में। और मैं सब कुछ क्लियर होने के बाद में आप ये वीडियो बनाने वाला था, बट छोटी छोटी जो बातें हैं वो अभी से आपके साथ में शेयर कर दूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ। यानी मैं जो काम मैं अभी चेंज कर रहा हूँ मेरे घर का, वो सारा मैं आपको दिखा पाऊँ। और बस यही है, एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो पहले देख लीजिए। तो दोस्तों, ये तीन गैलरी देख लो मेरी, एक दो और ये तीन, ये तीनों एक जैसी नहीं है। और इसमें फिनिशिंग की बहुत कमी है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये आगे का फ्रंट देख के। और अभी चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाऊँ, अच्छे से इसकी फिनिशिंग करवाऊँ, या जो भी मॉडिफिकेशन है वो करूँ। पैसे तो खर्च होंगे लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है ना घर बनवाने का, तो वो सही से मिल जाएगा। ये सारा कुछ काम है ना जल्दी जल्दी में हुआ है, क्योंकि मुझे जल्दी रहने के लिए आना था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अभी मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तीनों गैलरीज तीनों मुझे सही करनी है। सेटर है जो थोड़ा सा ऑड दिख रहा है, सही नहीं है, उसको भी मुझे सीधा करना है। और ये पूरा मुझे नया बनवाना है। ओके, और बाइक लगाने के लिए भी अच्छी सी जगह चाहिए। और ये जो स्टेप दिख रहे हैं इसको भी मुझे नए से बनवाना है, इस सीढ़ी को। और ये गैलरी, बहुत सारे चेंजेस इसमें करने हैं। आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों ये काम करवाया है, वो वीडियो क्लिप देखने के बाद में, और पहले मेरा घर कैसा था वो। और मैं यहाँ पे एक इमेज शो कर रहा हूँ। अभी ये दोनों स्लैब हो गए हैं, ये एक स्लैब हो गया है, नीचे वाला एक स्लैब हो गया है। नीचे वाले स्लैब को कम से कम 10 दिन आज हो गए हैं, इस स्लैब को 8 दिन अभी हो गए हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि और 4-5 दिन मैं यहीं से ही रहने देता हूँ, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से पकड़ आ जाएगी। और फिर नीचे का जो शॉप का जो काम है ना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं तो पहले शॉप का ही काम करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी बिल्डिंग का ही काम कर लेते हैं। तो बस यही है। तो जैसे जैसे मैं काम करूँगा, और भी मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ लगवानी है। ओके, तो ये सीढ़ियाँ मैं कौन सी लगवाऊँगा, जो मेरे घर में जो नीचे है, कहाँ गया, हाँ ये जो नीचे सीढ़ियाँ दिख रही होगी आपको, ये इधर की, ये मेरे घर में जो नीचे मेरी जो सीढ़ियाँ हैं, मैं ये यहाँ पे लाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे लगाऊँगा उसको। और उसके बाद में ये सी जो रेलिंग की है, ऐसी रेलिंग पूरी से इस यहाँ पे कर दूँगा, क्योंकि आपको पता है मेरा लॉन्ड्री बिजनेस है। और लॉन्ड्री बिजनेस है तो मुझे साड़ियाँ सुखाने के लिए और जो भी कपड़े होते हैं ड्राई क्लीनिंग के, वो सुखाने के लिए काफ़ी सारी जगह लगती है। तो ये कम से कम 1.5 फीट होगा, के ऊपर 1.5 फीट का ऐसा एक रेलिंग बनवा लेंगे, उसमें साड़ियाँ सुखा सकते हैं। ये स्टैंड है मेरा साड़ी रोल प्रेस का, जब इसके ऊपर साड़ियाँ नहीं होती है ना, तब मैं इसके ऊपर आराम से 12 साड़ियाँ सुखा सकता हूँ। आधे घंटे में वो सूखने के बाद में दूसरी और साड़ियाँ मैं इसके ऊपर सुखा सकता हूँ। बट जब रोल प्रेस का काम करता हूँ ना, तो साड़ियाँ सुखाने के लिए जगह नहीं होती है दोस्तों। तो मैं ये रेलिंग का काम करके पूरा कर दूंगा, और जैसे जैसे मैं जो काम करूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में ये ऊपर है, ओके, तो ऊपर मैं आपको भी ले चलता हूँ, और वहाँ पे भी मुझे रेलिंग का काम करना है दोस्तों। और ऊपर से मेरा शहर कैसे दिखता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तो बस ऊपर अभी मुझे जाना जो है ना, तो सारी सर्कस करके जाना पड़ता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इसीलिए मैं ये स्टेप बनवा लूँगा, ओके। और ये मेरे अंकल का ही बिल्डिंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो कैसे मुझे जाना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए और ये ऐसे यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में क्या करूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया, अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे चढ़ूँगा। दोस्तों हम आ गए यहाँ पे, ओके तो देख लीजिए कितनी ऊंचाई पर हूँ मैं। ये नीचे की जगह आप देख सकते हो, ये मेरे घर का है ना फोर्थ फ्लोर का स्लैब होगा ये, यानी ये फोर्थ फ्लोर होगा। तो ये इस तरह से हमारा पूरा शहर है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको ऊपर तक लेके आऊँ, दिखाऊँ मेरा शहर कैसा है, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर लगभग दिख जाता है। तो मैं उनको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा शहर छोटा सा है बट खूबसूरत है, चारों तरफ से पहाड़ है। तो बस दोस्तों अभी मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ी हवा की सुनसुनाहट आ रही होगी, तो चलो नीचे चलते हैं, फिर बाकी बात नीचे करेंगे। तो मेरी जो गली है ना वो सब्ज़ी मार्केट वाली गली है, यहाँ पे सब्जियों का बाज़ार लगता है, न्यू भाजी मार्केट जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नीचे का स्लैब है, इसको 10 दिन हो गए, ऊपर वाले को 8 दिन हो गए। तो चलो अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कैसा नज़ारा है। तो ये कुछ ऐसा है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये मुझे ये जो नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे वो मुझे चेंज करवाना है, वो ऊपर लगाऊंगा और नीचे जो है नए से बनवाऊंगा। शॉप का पूरा मॉडिफिकेशन करना है, मतलब फर्नीचर और कलरिंग कुछ भी नहीं करना है, बट उसके अलावा जो जो काम होता है सिर्फ फर्नीचर और कलरिंग ही मैं बिल्डिंग का और शॉप का रहने दूंगा, वो काम मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, बट अभी ये मुझे काम पूरा करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपको चाहिए कि मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन या चेंज करवा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और प्लीज़ नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगी उससे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।